गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्कार सभी के लिए। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू ग्रो कुकुम्बर एट होम। यस, आप कुकुम्बर खीरा घर में कैसे उगा सकते हैं वो भी बहुत आसानी से। जी हाँ, मैंने भी उगाया है खीरा और आप देख रहे हैं रिजल्ट्स। जी हाँ, सबसे पहले आपने प्लास्टिक के ग्लास लाने हैं, कोई भी डिस्पोजल ग्लास। अगर आपके पास सीड ट्रे नहीं है, सीड ट्रे है तो वो बेस्ट है, इफ नहीं है तो आप ग्लास लाइए और उनमें मिट्टी भरनी है। इस प्रकार मिट्टी सबसे पहले तैयार करनी है, भरने से पहले। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपके पास 70% मिट्टी, 20-30% कोको पिट और गोबर की खाद कुछ परसेंट होनी चाहिए। मिट्टी तैयार करिए, उसके बाद सारे के सारे ग्लास फिल कर दीजिए इस प्रकार से। जी हाँ, जो ये पत्थर दिख रहे हैं इनको हटाएंगे, मतलब जो अपर लेयर है उसमें कुछ भी रोकने को नहीं होना चाहिए, जो सीड के अंकुरण को रोके, जो मैं हटा रहा हूं आप भी इस प्रकार से ही करिए। जी हाँ, तो ये ग्लास रेडी हो चुके हैं, अब इनमें मैं सीड लाऊंगा। ये सीड मैंने पूरी रात ऑलरेडी भिगो चुके हैं। जी हाँ, आपने भी पूरी रात सीड भिगोने हैं। और ये सीड लाए हैं मैंने सीड भंडार या नर्सरी से, जहां पे हेल्दी हेल्दी सीड्स मिलते हैं। यस, आपके नियर बाय जो भी होगा सीड भंडार या नर्सरी, आप भी वहां से लाइए और सेम प्रोसेस अप्लाई करिए जो मैंने किया है। तो ये मेरे ग्लास सारे के सारे रेडी हो चुके हैं और इनमें अब डालूंगा मैं पानी स्प्रे करके। जी हाँ, ताकि मॉइस्चर बना रह सके और कुछ दिनों में मेरे अंकुरण हो जाए। यस, और आफ्टर 8 डेज ये रिजल्ट है। देखिए, ये सारे के सारे पौधे बन चुके हैं छोटे छोटे। जी, और 1 महीने बाद बोने के बाद मेरे सारे प्लांट जो है 1 महीने के हैं, आप देख रहे होंगे कितने हेल्दी हो चुके हैं, जिनमें मैं वाटरिंग कर रहा हूं। यस, ये सारे के सारे मैंने ग्रो बैग में उगाए हैं। ग्रो बैग मतलब आटे के कट्टों में उगाए हैं, 10 केजी के आटे के कट्टों में। अगर आप आटे के कट्टे पसंद नहीं आते तो यू कैन ग्रो इन ग्रो बैग। यस, ग्रो बैग में उगा सकते हैं अगर आप छत में बागवानी करते हैं तो। ये देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वीडियो का, अगर आपके प्लांट 1 महीने के हो जाए तो ये स्टिक दिख रहे होंगे, सहारे के लिए होती है। ये सहारे के लिए मैंने लगाई है सारी की सारी लकड़ियां काट के। अगर आपके पास लकड़ियां अवेलेबल नहीं है, आप सिटी में हैं, तो आप कोई जुगाड़ बनाइए, जैसे रस्सियों का या फिर किसी भी पुरानी चीजें आती है घर में जो आप, जिसमें आपको लगता है कि आपका प्लांट हैंग कर सके या क्लाइंब कर सके, क्योंकि कुकुम्बर एक क्लाइंब मिंग प्लांट है। अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे, सहारा नहीं दोगे, तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो फ्लावर्स नहीं आएंगे और कुकुम्बर भी नहीं आएंगे। यस, ये देखिए कितना हेल्दी हो गया प्लांट, और अब हम वेट कर रहे हैं कब इसके फ्लावर्स आए और कुकुम्बर आए। जी हाँ, जब 1 महीने का प्लांट हो जाए तो आपको बहुत ही जरूरी है कि आप इसमें एक लेयर बिछा दे कंपोस्ट की, क्योंकि जब आप पानी नहीं डालते तो ऑलरेडी मॉइस्चर नमी बनी रहेगी इसमें। जी हाँ, तो गर्मियां काफी हैं तो पानी डालना बहुत जरूरी बनता है, इसलिए अगर लेयर रहेगी कंपोस्ट की तो उसमें मॉइस्चर रहेगा ऑलरेडी। सारी की सारी अगर ये कार्रवाई आप करते हैं तो आपका पौधा भी इतना हेल्दी हो जाएगा 1 महीने में ही, जो आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी। जी हाँ, कुकुम्बर ही कुकुम्बर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे मेरे कुकुम्बर के पौधे हैं जो मैंने लगभग कितने 1 महीने पहले बोया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।